सेवाएं बदायूं के संगठन में सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से मैंने टिकट की दावेदारी करी और मैंने लड़ाई करी, ओंकार सिंह ने उसको रोकने के लिए मेरे चरित्र पर लेकर कीचड़ उछाली, महिलाओं के चरित्र पर कीचड़ उछाली है। उनका कहना है मुसलमानी महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाए, जबकि हर जाति का वोट कांग्रेस को चाहिए, हर बिरादरी चाहिए, लेकिन ओंकार सिंह ने मेरे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, हर कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, हर तरीके से टिकट को रोकने की। तो आज मैं चाहती हूँ कि ओंकार सिंह जैसे लोग इस संगठन में मौजूद हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी और मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा देती हूँ। मेरे पे ये आरोप लगाए गए हैं, सबसे पहले तो ये बताया गया है कि मेरे पास अपने खाने के लिए भी एक रुपया नहीं है। दूसरा आरोप है कि मैं चरित्रहीन हूँ। तीसरे आरोप, बहुत सारे ऐसे अनगिनत आरोप हैं कि जो मैं गिनते गिनते थक जाऊंगी, लेकिन उन आरोपों ने मुझे आघात बहुत किया, लेकिन मैंने भी तय करा है कि मेरी हिम्मत है, क्योंकि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और मैं लड़ूंगी और मैं टूटूंगी नहीं, मैं आगे सेवा करूंगी और हर उस किनारे पर आकर खड़ी होंगी जहाँ महिला को सुरक्षित नहीं बताया जाएगा और महिला को अकेला समझा जाएगा।